हमारे चारों आदरणीय कविश्री यहाँ पे आ गए हैं। मैं जो भी परिवार के लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से यहाँ पे अपना स्थान ले लीजिए। हम मैक्स 5 to 10 मिनट्स में आज की खूबसूरत हंसी खुशी से भरी शाम इन चारों महानुभवों के साथ हम शुरू करेंगे। तो जो लोग भी ओवल पार्क में आए हुए हैं इस कार्यक्रम का मजा लेने के लिए, उन सब से मेरा निवेदन है, जल्द से जल्द आप अपना स्थान ले लीजिए। थैंक यू। सुस्ती को दूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो ये शुरुआत है, उसके बाद मुझे भी या हमारे किसी भी महानुभव को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपके हाथों से तालियां बजने लगेगी। तो एक बार फिर से हमारे चारों महानुभाव के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, भारत देश विविधताओं का देश है। हमारी संस्कृति शायद ही विश्व में कहीं ऐसी सांस्कृतिक देखने को मिलेगी। संगीत, नृत्य, गायन और लेखन का अमूल्य संग्रह है इस भारत देश की भूमि में। कवि सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो तब से चला आ रहा है जब से लेखन की शुरुआत हुई है, और जाने अनजाने में ही जब कविता लिखने की अपनी कला को विकसित हुआ तभी से ये कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई है। कविता अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है जो न केवल लोगों का मनोरंजन करती है बल्कि समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देती है, साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करती है। हमारा जो स्वातंत्र्य का जो जो भी थी इवेंट थी उसमें हमारे कवियों ने एक बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए मांगलिक सांस्कृतिक आयोजनों से लेकर राजनीतिक और कॉरपोरेट आयोजनों में कवि सम्मेलन का होना आम बात है। आज इन चारों में से किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक आयोजन है। तो एक बार फिर से मैं आप सबका
स्वागत करता हूं इस सुंदर खुशियों से भरी शाम में, हास्य कवि सम्मेलन में। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड श्री पी के जैन सर, श्री एच के त्रिपाठी सर एंड मिसिस एच के त्रिपाठी सर को। मैं आरएसएससी मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे तीनों ही गेस्ट को आप मंच पे लेके आइए। श्री पी के जैन सर, श्री एच के त्रिपाठी सर एंड मिसिस एच के त्रिपाठी सर। आपको सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उनमें सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हास्य कवि श्री हिमांशु शर्मा, जिसको हम बवंडर से भी जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं श्री पी के जैन सर से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से उनका अभिवादन कीजिए। सर, हास्य और व्यंग के क्षेत्र में उज्जैन ने देश को बड़े बड़े प्रख्यात कवि और रचनाकार दिए हैं, जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में उज्जैन का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। शहर की इसी परंपरा को युवा और नए कलाकार भी आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। ऐसे ही एक कवि है सुभाष नगर निवासी हिमांशु शर्मा, जिसे हम बवंडर के नाम से भी जानते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आपका परिचय देने का मुझे मौका मिला है। सिर्फ 27 साल की उम्र में ही हिमांशु ने छोटे पर्दे पर कई शो की शान बन चुके हैं। इसी के साथ 250 से भी ज्यादा अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। हिमांशु ने प्रख्यात कवि श्री हरिओम पवार, कवि श्री शैलेश सोढ़ा और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ मंच साझा कर चुके हैं। छोटे पर्दे पर अपनी सब टीवी पर कॉमेडी सुपरस्टार से करियर की शुरुआत की है। आपकी कला को काफी सराहना मिली, आप टॉप 5 में रहे हैं। इसके बाद दूरदर्शन पर हंसाने का मुखिया कार्यक्रम आया, इसमें आप फर्स्ट रनर्स अप रहे हैं। इसके बाद आपने कॉमेडी सीरीज, जो भी आज के यंग जनरेशन के लोग हैं सब जानते हैं, कॉमेडी सीरीज लिव टू लाइफ में भोला पुरुष की भूमिका निभाई। जल्द ही आपका यह चरित्र दर्शकों के बीच बेहद ही लोकप्रिय हो गया और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। थैंक यू। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कवियत्री मनीषा शुक्ला जी का। एक बार जोरदार तालियों से मनीषा जी का स्वागत करेंगे। मैं मिसिस त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से मनीषा जी का आप अभिवादन और स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनीषा जी के लिए। आप एक भारतीय कवियत्री और हम सबको जान के खुशी होगी कि आप एक इंजीनियर भी है। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन कीजिए। आपका जन्म 7 सितंबर को बिहार के हाजीपुर जिले के सुबई गांव में हुआ है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर और इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज से भी हम लोग जानते हैं, वहां से पूरी की। उसके बाद आपने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। आप एक सरकारी संगठन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल में के लिए इंजीनियर के रूप में आज भी कार्यरत है। 2019 में आपको हांगकांग में एक कवि सम्मेलन में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2020 में गणतंत्र दिवस पर लाल किला कवि सम्मेलन में आपने अपना प्रदर्शन दिया। आपकी पहली किताब मीठा कागज शायद प्रकाशित हो चुकी है। बचपन से ही लेखन का शौक होने के कारण 2017 में आपका रुझान हिंदी कवि सम्मेलनों की ओर बढ़ा और आप मंच पर काव्य पठन करने लगी।
आप हिंदी कविता मंच की सबसे व्यस्ततम कवियत्रों में से एक हैं। जोरदार तालियां हो जाए मनीषा जी के लिए। अब तक सैकड़ों कवि सम्मेलनों और कविता पाठ किया है, साथ ही कई पत्रिकाओं में नियमित रूप से आप लिखती है। 2020 में कीर्ति काले युवा गीतकार पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कहती है, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म की संवेदना है और कविता संवेदना का मैकेनिज्म। बहुत बड़ी बात है ये, जो भी काव्य से रुचि रखते हैं उनके लिए। मैम वेलकम है आपका, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं उस महानुभाव को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। जोरदार तालियों से सुरेंद्र जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आपकी तालियां, थैंक यू, मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ा है। मैं श्री त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत और अभिवादन कीजिए। मैं अपने आप को विशेष सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि ऐसे महानुभव का परिचय देने का मुझे मौका मिला है। कॉमिक कविताओं के भारतीय वंश व्याधि लेखक है आप। आप पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी है। आपका जन्म 8 जनवरी 1953 में राज्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग के बेमेतरा में हुआ था। आपने 5 किताबें लिखी हैं, कई मंच और टेलीविजन शो पर आप दिखाई दिए हैं और विशेष में भारत सरकार के द्वारा सन 2010 में आपको देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दुबे जी के लिए। आप 2008 में काका हाथरी हसया पुरस्कार रत्न से भी प्राप्त करता है। आपने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कविताओं से सबका दिल जीता है। आपको अमेरिका के वॉशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में हास्य शिरोमणि का सम्मान सन 2019 में सम्मानित किया गया है। बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। आप उन गिने चुने कवियों में से हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को पूरे विश्व तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ी में कविताओं के जरिए देश विदेश में लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। आपकी सरल काव्य शैली के कारण आपको सब बहुत सुनना पसंद करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबकी तालियों के बीच उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, अपना स्थान लीजिए। अब उनकी बारी है जिन्होंने इस पूरी माला को तैयार किया है, कवि श्री चिराग जैन। जोरदार तालियां हो जाए कवि श्री चिराग जैन के लिए, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं सब इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं श्री जैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका पुष्पगुच्छ से आप स्वागत और अभिवादन कीजिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनका जन्म 27 मई 1985 को दिल्ली में हुआ। आप जाने माने कवि, पत्रकार और लेखक हैं। आप सबसे कम उम्र के कवि हैं जिन्होंने लाल किला राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अनुभवी कवियों की एक टीम को एंकरिंग करने की ऊंचाई हासिल की है। ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है सर, हमें भी गर्व हो रहा है आपके लिए। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ओमान, नीदरलैंड, मकाऊ, तंजानिया, थाईलैंड, हांगकांग और नेपाल जैसे विभिन्न देशों में अपनी मोहक काव्य प्रस्तुति देकर हिंदी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। आपको भारत की संसद में, एक बार ध्यान से सुनना, आपको भारत की संसद में 4 प्रदर्शन करने का गौरव प्राप्त हो चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हिंदी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में भी सम्मानित किया गया है। चिराग जैन कविता, अदाकारी और हास्य का एक संपूर्ण पैकेज है। आप समझ गए होंगे कि आज कितने हम आज की शाम कितनी हमारी हास्य से भरपूर होने वाली है। आपकी उपयुक्त और त्वरित टिप्पणियां
शो को हास्य की ऊंचाई तक ले जाती है। आपके काव्यों में भारतीय संस्कृति का रस है जो कभी कभी श्रोताओं को उदासीन भी बना देता है। चिराग जैन लोकप्रिय कवियों में से एक है। IITN और मेडिकल के छात्रों के बीच इनको सबसे ज्यादा प्यार मिला हुआ है। मैं आपका स्वागत करता हूं यहां पे, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और मैं हमारे तीनों ही गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आप अपना स्थान लीजिए।